हाय यूट्यूब, दिस इज़ देव एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में। और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे सेटअप का अपडेट देने वाला हूँ कि क्या चल रहा है, किसका क्या प्रोग्रेस है, कौन सा बर्ड क्या कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्टिंग करता हूँ मैं एस पेयर से। तो ये रही फीमेल, यहाँ पे इसका मेल घूम रहा है, राइट। तो मैंने इनको रखा इसलिए था क्योंकि मुझे लगा था ये फीमेल प्रेग्नेंट है एंड ये एकले करने वाली है। बाद में मुझे पता ये चला कि इसको चर्बी है, लेकिन फिर भी इन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी है एंड होपफुली ये एग्स ले कर देगी। और नहीं कर पाई तो मैं इसको मॉनिटर तो कर ही रहा हूँ, इसका एग निकाल भी दूंगा। अब होता क्या है कि जब आपके पास बहुत सारे बर्ड्स आप साथ में रखते हो तो आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा बर्ड क्या खा रहा है। तो ये जो फीमेल है ये सिर्फ और सिर्फ सीड्स खाती है एंड चिक पीज, मतलब जो चना मैं इनको देता हूँ वो फेंक देती है, सॉफ्ट फूड फेंक देती है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाती, जिसकी वजह से इसको सिर्फ सीड खा करके ना थोड़ी इसको चर्बी हो गई है। एंड ना हो, क्योंकि मैंने इनको अलग रखा है तो मैं इनका डाइट जो है सही कर रहा हूँ, होपफुली ये ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। आता हूँ मैं अपने ज़ीब्रा फिंच के पोर्शन में। तो ज़ीब्रा फिंच एज यूजल मस्त घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं। इनको नहाना बहुत पसंद है, हर रोज़ नहाते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी चाहे कुछ भी बरसात, हर रोज़ इनको नहाना होता है। देखिए अभी इनको सुबह पानी दिया था, पानी ख़त्म, और ये पानी बिल्कुल इन्होंने बिखेरा हुआ है पेपर पे, क्योंकि हर कोई नहाता है इनमें से, हर रोज़ नहाता है। 365 डेज इनका नहाना बंद नहीं होता। अब उसके साथ ही मैंने एक काफ़ी जो ओल्ड एज मेरे पास पैराकीट है उसको मैंने रखा हुआ है, इसका नाम मऊ है, जो मेरी बजी है। इसको ये परेशान नहीं करते हैं। मैंने इसको अलग इसलिए रखा हुआ था क्योंकि अगर इसको पार्टनर के साथ रखूं तो ये एग ले करने लगती है, और एग ले करते करते इसको इतना ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो गई थी कि ना ये एग्स पास नहीं कर पाती थी, और काफ़ी बूढ़ी भी हो गई है तो ऑब्वियसली इसको दिक्कत तो आएगी। तो इसको अलग रखा। अब हुआ क्या, कल परसों में इसका जो पार्टनर था उसका नाम मिक्कू था, अब उसकी नेचुरल डेथ हो गई है, नेचुरली उसकी मौत हो गई है। अब कुछ नहीं कर सकते उस केस में। यहाँ पे आता हूँ पैरेटलेट के पोर्शन में। तो यहाँ पे ये देखिए, एक मेल पैरेटलेट है, एक फीमेल पैरेटलेट है। फीमेल पैरेटलेट देखा आपने कैसे बैठी हुई है, इसको ऐसे ही लटकना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेल शांत रहता है लेकिन फीमेल जो है हरकतें करती रहती है, चीविंग करती रहती है। अभी साथ में इसने वायर काट दिया अपना, तो वायर को जो है हमने थोड़ा दूर रखा इससे। मेल सिर्फ गाता है, बैठा रहता है। और मैंने क्या किया कि इनसे ना, इनके केज से मैंने नेस्ट बॉक्स निकाल दिया ताकि इनको ज़्यादा स्पेस मिल जाए। एक्चुअली मुझे लगता है कि ब्रीडिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक नवंबर दिसंबर नहीं आ जाता, शायद वही उनका ब्रीडिंग टाइम है। तो अब इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा मैं, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक अगर मैं इनके पास नेस्ट बॉक्स ही रख देता हूँ तो एज ए नेस्टिंग प्लेस उस नेस्ट बॉक्स को नहीं मानेंगे, और हो सकता है कि आगे जाके भी वो उस नेस्ट बॉक्स का यूज़ ना करें, उसमें ये अंडे वगैरह ना दें। तो हटा दिया नेस्ट बॉक्स, अब इनको अलग छोड़ देते हैं, इनको अपनी हरकत इनको करने देते हैं। फीमेल को ऐसी लटकी रही है, पता नहीं बहुत देर से लटकी हुई है, उसको मज़ा आ रहा है। मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन पे लेके चलता हूँ। तो भाई नेक्स्ट पोर्शन ये है कॉकर टेल का। इसका नाम तो आपको पता ही होगा, ये हमारा हीरो है, इसका नाम हीरो रखा हुआ है हमने। ऊपर जो है ये दो मेरे क्रीम कॉकटेल्स हैं एंड दोनों ही मेल्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से एक को एक्सचेंज करके एक फीमेल ले आऊँ, ताकि मेल फीमेल रेशियो थोड़ा ठीक हो जाए मेरे पास कॉकटेल का। अभी ये टिको मेरे हाथ को देख के मेरे पास आ रहा है, मेरा हैंड टेम बजी है। साथ में जो दो ग्रीन कलर के आपके बर्ड दिख रहे हैं वो भी मेरे हैंड टेम बजीज हैं। इसका नाम सोम है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, और अभी जो उड़ के गया वापस इधर जो देख रहे हैं मुझे, वो उसका नाम मोमो है। बाकी एक और मेरे पास बजी है, ये टेम नहीं है लेकिन मैंने इनको इनके साथ रखा हुआ है। बात करता हूँ अपने कॉकटेल के ब्रीडिंग पेयर की। तो ये फीमेल है, फीमेल ऊपर आके बैठी हुई है। अब जैसे ही मैं कैमरा निकालता हूँ ना, वैसे ही ये थोड़ा डरने लगते हैं, इनको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मेल अंदर है। अब हुआ क्या है गाइस कि इन दोनों ने मिलके मेटिंग करी और इन्होंने एग्स ले किए हैं। फीमेल मैंने एक दो दिन पहले चेक किया था तो फीमेल ने एक एग ले किया था ताज़ा ताज़ा। और इनमें होता है क्या है कि जो मेल होता है ना वो जो है दोपहर को, मतलब दिन में ब्रूडिंग करता है, अंडे को सेता है, और जो फीमेल होती है वो रात में अंडों को सेती है। तो ये बारी बारी ब्रूडिंग करते हैं,
और इसीलिए मेल अंदर बैठा हुआ है क्योंकि दिन का टाइम है, जैसी शाम होती है वैसी फीमेल बैठ जाएगी एक्स के ऊपर और एक्स को ब्रूडिंग करने लगेगी। तो गाइस पहला क्लच है, और मैंने यही सुना है कि पहला क्लच इनका सक्सेसफुल नहीं होता, बच्चे नहीं निकलते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मिल्की लकी हुआ तो शायद एक दो बच्चे निकल जाए, अदरवाइज सेकेंड क्लच में ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये देखिए डर रही है क्योंकि इसको कैमरा ज़्यादा इतना पसंद नहीं है, और मैं ये भी नहीं चाह रहा कि इनका प्राइवेसी मैं ख़राब करूँ। तो मैं अभी कैमरा हटा लेता हूँ अपना यहाँ से, और नेक्स्ट वीक जब ये शायद सारे अंडे दे देगी, मतलब 4 से 6 अंडे होते हैं, तो 8-10 दिन बाद मैं चेक करूँगा, साथ में आपके साथ भी वो अपडेट शेयर करूँगा। फिलहाल मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेरे, जहाँ पे मैंने बहुत सारे बजीज एक साथ रखे हुए हैं। फिलहाल इनकी जो तादाद है वो तो हो गई है कम, लेकिन इनमें जो पेयर है वो काफ़ी सेट हो चुके हैं। जितने ही पेयर्स हैं देखिए, एक पीछे एक पेयर है, एक सामने एक पेयर है, तो पेड़ बड़े सारे हैं, बन चुके हैं, एंड देयर रेडी टू ब्रीड। लेकिन मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं इनसे फ़िलहाल ब्रीडिंग नहीं ले रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स बोल तो रहे हैं कि मुझे बजीज चाहिए आपसे, आपके पास बजीज हैं तो बताइए। तो मैं इनको ये बोलता हूँ कि फ़िलहाल तो मैं ब्रीडिंग नहीं ले रहा हूँ, जैसे ही अगर ब्रीडिंग अब कभी लेता हूँ, बच्चे निकलते हैं, तो ऑब्वियसली आप मुझसे बजीज ले सकते हैं। फ़िलहाल तो यार अभी 1-2 महीना तो लग जाएगा मुझे। मैं इनको रेडी कर रहा हूँ, इनको मैं सीड मिक्स देता हूँ, साथ में मेरा सॉफ्ट फूड हर रोज़ चलता है। इट डजेंट मैटर कि मेरा पेड़ कोई ब्रीड कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं सॉफ्ट फूड हमेशा देता हूँ, कैल्शियम ब्लॉक हमेशा रखता हूँ ताकि मेरे बर्ड्स हेल्दी रहें। क्योंकि मैं ब्रीडर तो हूँ नहीं, मैं हॉबीस्ट हूँ, मुझे ये ध्यान रखना होता है कि मेरे सारे बर्ड्स हेल्दी ही रहें। तो हमेशा इनके डाइट का मैं अच्छा ख्याल रखता हूँ, और क्लीनलीनेस, आप देखिए क्लीनलीनेस होता है केज में हमेशा, कभी भी मेरा केज आपको ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा। इसी के साथ वीडियो एंड करने से पहले इसका साइड वाला जो पोर्शन है, इसका ये तो लेफ्ट वाला है, साइड वाला जो इसके राइट साइड में जो पोर्शन है वो खाली है, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक अगर मैं कॉकटेल की फीमेल ले आया तो पेयर बना के डाल दूंगा, नेस्ट बॉक्स बना लूँगा, एंड होपफुली मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज मेरा मन तो ये था कि मैं कॉर्नियर्स लेकर आऊँ, ग्रीन चिक कॉर्नियर्स, एंड उनको मैं अलग से रखूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन वो शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा लाने से ना झिझक रहा हूँ उनको। क्योंकि यार वैसे ही मेरे पास इतने सारे बर्ड्स हैं तो शोर काफ़ी ज़्यादा होता है इधर उधर। नेबर्स को तो खैर बोलते नहीं कुछ अच्छे हैं, लेकिन फिर भी खुद को भी थोड़ा लगता है ऐसा। तो वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, कमेंट करके बताएं कैसे लगी है वीडियो। वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, हैप्पी पेटिंग गाइस, बाय बाय।